हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्जी। तुरई जिसे इंग्लिश में रिज गार्ड और बंगाली में इसे झींगा कहते हैं। आज हम बनाएंगे झींगा पोस्तो यानी खसखस और तुरई की सब्जी। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 kg रिज गार्ड। इसे धोकर इसे हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हर झींगे को हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे ताकि वो कड़वा ना हो। कई बार झींगा कड़वा निकल जाता है जिससे सारी सब्जी कड़वी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे छोटे टुकड़ों में हम ये काट कर तैयार कर लेंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़े साइज का आलू, जिसे बड़े साइज में काट लिया है। साथ ही लिया है मैंने 2 प्याज, इसे भी स्लाइस कर लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्च और 3 बड़े चम्मच पॉपी सीड या खसखस या पोस्तो। पोस्तो और मिर्च को हम पीस कर फाइन पेस्ट बनाएंगे। इस सब्जी में कुछ ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ पोस्तो और मिर्च का ही फ्लेवर आएगा और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। चलिए सब्जी बनाते हैं। यहाँ मैंने तेल गरम किया है, सरसों का तेल। साथ में ऐड कर रही हूँ इसमें 2 तेज पत्ता और इसमें हम अपना कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू को भी चलाते हुए 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। हम ध्यान रखेंगे कि ये सब्जी कटी हुई अभी बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन गलने के बाद ये बहुत थोड़ा सा सब्जी हो जाता है, इसलिए अपनी सब्जी के हिसाब से ही हम नमक डालेंगे। और ये आलू थोड़ा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें पोस्तो और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ और इसके साथ ही थोड़ा इसमें पानी भी डाल देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। मैंने मिक्सी के जार में ही पानी लेकर डाल दिया ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए। और बस ये देखिए, इसे मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया है। रिज गार्ड काट के रखा है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अगले 10 से 12 मिनट तक इसे ढककर कम आंच पर पकाएंगे। ये सब्जी अपना पानी छोड़ देगी और ये सब्जी अपने ही पानी में अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। इसमें ऊपर से पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और इसे अच्छे से मैश करके पानी सूखने तक फ्राई करेंगे। और बस लीजिए, इसका पानी पूरा सुखा दिया है मैंने और ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये डिलीशियस बंगाली रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।